हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता और आज मैं आपके लिए फिर से अपने चैनल पे एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। तो यस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। एंड यस, जैसे कि मैंने आपके लिए एक लास्ट टाइम एक ज्वेलरी हॉल लाई थी और मीशो से, और मैंने आपको बताया था मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक क्लोथ हॉल लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए एक क्लोथ हॉल लेके आ गई हूँ मीशो से। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने मीशो से काफ़ी सारी ज्वेलरी ट्राई की है, वैसे ही मैंने बहुत सारे कपड़े भी ट्राई किए हैं। इन केस अगर आपने मेरी वो ज्वेलरी हॉल चेक आउट नहीं की है तो आप उसे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप लाइक नहीं करते हैं गाइज, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको कपड़े तो दिखाऊंगी, साथ साथ उनकी क्वालिटी के बारे में भी बताऊंगी, फैब्रिक के बारे में भी बताऊंगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं उनको वेदर यूज़ कर चुकी हूँ, वॉश कर चुकी हूँ, एंड एवरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी कपड़ों के बारे में। तो ये सब मीशो के कपड़े हैं जो मैंने लिए हैं, डिफरेंट मिक्सअप हैं ये कपड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है वो सारे कपड़े जो मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं, और अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ मैंने मीशो से क्या क्या परचेज़ किया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद दिस कुर्ती। तो मैंने मीशो से एक ये कुर्ती ली थी, आपको मैं दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, स्काई ब्लू कलर में, ब्लू टाई एंड डाई वाले फॉर्म में, वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, काफ़ी अच्छी है। इसमें इस तरह के आगे बटन्स दिए हुए हैं और काफ़ी सुंदर कुर्ती है। इस पर ऐसे 3/4 स्लीव्स मिली हैं और ऐसा कॉलर टाइप का स्टाइल है। और मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ और वेयर भी कर चुकी हूँ फर्स्ट टाइम में। इसने थोड़ा सा कलर छोड़ा था बट इसकी क्वालिटी पे या फैब्रिक पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, कुछ भी नहीं था कि इसको मैंने वॉश किया तो ये श्रिंक हो गई या कुछ इस तरह की कंप्लेन आई हो। तो मुझे इस कुर्ती में कुछ भी इस तरह की कंप्लेन अभी तक नहीं आई है। और ये कॉटन फैब्रिक में काफ़ी कम्फर्टेबल है, सॉफ्ट कॉटन है। इसको आप ईज़िली मानसून समर इस टाइप के वेदर में जब वेयर करते हो तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल आपको लगेगी। एंड यस, मैं इसको कई बार वॉश कर चुकी हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है ट्राई करने के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ मेरा साइज़ है एक्सेल जो मैंने परचेज़ किया था। तो ये मैंने एक्सेल साइज़ में ली थी और ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। और जब मैं इसकी प्राइस की बात करती हूँ तो ये मैंने ली थी 387 रुपीज़ में ये कुर्ती, जो कि मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी रेंज है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि ये कॉटन कुर्ती है और घर बैठे मुझे इस प्राइस में मिल गई थी। तो ये डेफ़िनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। कोड आपको सारे कपड़ों के मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। दिखाना चाहती हूँ ये ग्रे कलर की कुर्ती, ये मैंने ली थी, खादी टाइप के कॉटन फैब्रिक में है। ये भी बहुत ही अच्छा क्लोथ है, ये कॉटन फैब्रिक है और बहुत ही अच्छी कुर्ती है। ये मेरे को 380 रुपीज़ की कुर्ती मिली थी, आप देख सकते हैं। साइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग जब मैंने कुर्ती ऑर्डर की थी तो ये कुर्ती मुझे, मैंने लार्ज साइज़ ऑर्डर किया था जो कि मेरे को छोटा था, उसके बाद मैंने इसको चेंज करके डबल एक्सेल किया था। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम मीशो के कपड़ों में आपको आ सकती है कि जो आपका एक्चुअल साइज़ होगा वो छोटा होगा। तो आई विल रिकमेंड आपके साइज़ से नॉर्मली आप एक साइज़ को एटलीस्ट बड़ा हमेशा ऑर्डर करें, क्योंकि कुर्ती और सूट्स के केस में आप उसको ऑल्टर करा सकते हैं, बट जनरली मुझे ऐसा फील होता है कि जो उसका एक साइज़ बड़ा आप लेते हो वो आपको परफेक्ट फिट होता है इन स्पाइट ऑफ ओरिजिनल साइज। तो ये कुर्ती का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सबसे पहले इसका नेक दिखा देती हूँ, आप नेक देख सकते हो इसका, काफ़ी अच्छा है। इस पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो रही है, कोई प्रिंट नहीं है गाइस, एम्ब्रॉयडरी हो रही है और इस तरह का मिरर टाइप का लुक है। ये मिरर नहीं है, वो प्लास्टिक टाइप की कुछ चीज़ होती है वो है, और इसमें साइड में इस टाइप का स्टाइल है। प्लस इसकी स्लीव्स 3/4 है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, आपको मैं दिखा देती हूँ। इसकी स्लीव्स इस तरह की है और इस पर भी इस तरह का ट्रायंगुलर शेप में एम्ब्रॉयडरी है और एक तरफ आपको ऐसा कट मिल जाता है। तो इस टाइप की इसकी स्लीव्स है, वो भी काफ़ी स्टाइलिश है, इस वजह से मुझे कुर्ती काफ़ी पसंद आई थी। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, इसको आप जीन्स, ट्राउज़र, लेगिंग किसी के साथ भी पेयर करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। इस पर आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। एंड यस, ये 380 रुपीज़ की थी, खादी कॉटन टाइप का फैब्रिक है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। इसको भी मैं वॉश कर चुकी हूँ, इससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई कि कपड़ा श्रिंक हो गया या फिर इसका मटेरियल अच्छा नहीं निकला है। काफ़ी अच्छी थी, अफोर्डेबल थी, और मैं इसको भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस कुर्ती को आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। मैंने लिया था ये टॉप, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पोल्का डॉट्स में है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। इसका इस तरह का वी नेक है, काफ़ी डीप है, आपको इसको थोड़ा पिन लगाना पड़ेगा या फिर आप कोई इनर कुछ इस टाइप का वेयर कर सकते हो। इस टाइप का ये टॉप है और इसमें यहाँ पे साइड में स्टाइलिंग के लिए नोट दी है, जैसे कि ये कफ्तान स्टाइल हो
जिसमें वो साइड में टाई करने का होता है, बट ये स्टिच्ड है यहाँ से। इसका नेक इस तरह का है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का बड़ा नेक है, तो ईजिली ये किसी को भी आ जाएगा। और जो स्लीव्स है वो लूज़ लूज़ काफ़ी अच्छी स्लीव्स है, बहुत स्टाइलिश टॉप है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहन के, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है, इसका लुक अच्छा है, इसमें प्लीट्स डली हुई है तो इसका लुक काफ़ी अच्छा है। ये मैंने मंगाया था एक्सेल साइज़ में और ये 279 रुपीज़ का पड़ा मुझे। फैब्रिक की बात करती हूँ तो पॉलीक्रीप फैब्रिक है और ट्रांजी बिल्कुल नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको विदाउट एनी इनर वेयर कर सकते हो। लेकिन गेस जैसे मैंने आपको बताया, इसका नेक काफ़ी डीप है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ा पिन अप करना पड़ सकता है, या फिर आप कुछ अंदर स्पेगेटी या कुछ पहन के यहाँ पे, जिससे अगर आपका क्लीवेज विजिबल नहीं हो, अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसे कवर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉप है, 279 का है और पोलका डॉट्स के साथ है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये भी मैंने अगेन मंगाया था अपने लिए और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद मैंने ऑर्डर की थी ये टी शर्ट, तो ये है वो टी शर्ट जो मैंने ऑर्डर की थी, बहुत ही अच्छी और कॉटन में अगेन ये टी शर्ट है, राउंड नेक में है, यूनिसेक्स स्टाइल टी शर्ट है, काफ़ी बड़ी है। मैंने जब ये मंगाई थी तो इतनी बड़ी टी शर्ट मुझे रिसीव हुई कि ये काफ़ी लूज़ लूज़ है, और एक्चुअली इस तरह की टी शर्ट्स लूज़ लूज़ ही अच्छी लगती हैं, तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। और कपड़ा तो इसका बहुत ही कम्फर्टेबल है, इसको भी मैं वॉश कर चुकी हूँ, इसने ना कुछ कलर छोड़ा, ना ही श्रिंक हुई, ना इसके मटेरियल में कुछ कंप्लेन आई, बहुत ही अच्छी टी शर्ट ये निकली। ये तो डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हो, ये 392 रुपीज़ की मुझे पड़ी। और मैंने जो इस टी शर्ट का साइज़ मंगाया था वो डबल एक्सेल था, जो मुझे काफ़ी बड़ा है, मैं सोचती हूँ कि मैंने एक्सेल मंगाया होता तो भी वो मुझे थोड़ा बड़ा ही रहता, क्योंकि ये काफ़ी लूज़ लूज़ टी शर्ट है, तो ये डेफ़िनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हो और अच्छी लगेगी आपको पहन के, जीन्स पे, जेगिंग्स पे, इस तरह की चीज़ों पे जब आप इसको पहन के स्टाइल करोगे तो इट विल लुक वेरी नाइस। प्लस इसका फैब्रिक इतना अच्छा है कॉटन का कि बहुत ही कंफर्टेबल लगता है पहनने में, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप चाहें तो इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, कोड अगेन मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। देन मैंने मीशो से ऑर्डर की थी एक ये जैगिंग, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप की है ये दिखने में, इसमें साइड में इस तरह की दो लाइंस हैं और ग्रे कलर में मैंने मंगाई थी। इसमें भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस पर इस तरह की थिक अच्छी वाली इलास्टिक मिल जाती है, काफ़ी सही कपड़ा है, ट्रांजी नहीं है, पहनने के बहुत ही अच्छा लुक आता है, बट फैब्रिक पे रुए उड़ गए हैं मेरे, आपको मैं पास से दिखाऊंगी तो थोड़े थोड़े रुए उड़ गए, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छी है और कोई मुझे इसमें कंप्लेन नहीं आई है, थोड़े रुए की कंप्लेन डेफिनेटली आई है, अदरवाइज़ ये पहन के बहुत ही कम्फर्टेबल और फिटिंग वाइज भी बहुत अच्छी है। अगर मैं इस जैगिंग की बात करती हूँ तो ये मैंने मंगाई थी 273 रुपीज़ में एक जैगिंग, और ये वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आती है, मैंने 32 साइज़ लिया था जो कि मेरे लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि इसमें इलास्टिक आती है और पूरी स्ट्रेच मटेरियल में है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप अगर जैगिंग लेना चाहते हैं लाइक जॉगिंग है उसके लिए इस टाइप के ट्रैक पैंट के लुक में, तो आप उसके लिए इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। बस इसमें आपको ये कंप्लेन आएगी कि इसमें रुआ उठ जाएगा थोड़ा टाइम बाद, तो वो कंप्लेन डेफिनेटली आएगी, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको जैगिंग ट्राई करनी है तो ये आप ले सकते हैं। मीशो से मैंने काफ़ी सारे कपड़े ऑर्डर किए गाइस, और काफ़ी बार मुझे उन्हें रिटर्न करना पड़ा क्योंकि मुझे उनके संग कंप्लेन रही साइज़ का इशू रहा, या फिर कई बार डिफेक्टेड भी एक दो बार में से ऐसा हुआ कि डिफेक्टेड पीस आ गया। बट सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मीशो से कुछ कपड़े ऑर्डर करते हैं तो जितना ईजी उनको ऑर्डर करना है उतना ईजी उनको रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना है, तो मुझे कभी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई कि मैं उनको चेंज नहीं कर पाई या फिर मेरे को प्रॉब्लम आई, तो ऐसा नहीं हुआ। तो डेफ़िनेटली जैसे और साइट्स के साथ होता है वैसे ही मीशो के साथ है, तो आप डेफ़िनेटली ट्राई आउट करना। और ये बिज़नेस पर्पज से डिज़ाइन की गई थी, तो इसमें ऐसा है कि आप बेसिकली इसमें ये ध्यान रखा गया था कि जो इस पे जुड़ता है वो अपना मार्जिन जोड़ के इसको आगे इससे प्रोडक्ट्स लेके, यानी कि बोले चाहे कपड़े हो, ज्वेलरी हो, फुटवेयर हो, जब बहुत सारी हाउस होल्ड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप कुछ भी खरीद के उसको आगे सेल आउट कर सकते हो विद योर ओन मार्जिन, तो उस पर्पज़ से इसको किया गया था डिज़ाइन। तो काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े हुए भी हैं अभी भी जो मीशो के थ्रू अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए किया गया था। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप डायरेक्टली भी अपने लिए खुद परचेस कर सकते हो, तो मैंने भी यहाँ से कपड़े ट्राई आउट किए थे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो डेफिनेटली नहीं है, ये कपड़े मैंने खुद ट्राई आउट किए थे जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा मुझे आपको दिखाना चाहिए एक हॉल में कि मैंने क्या क्या परचेस किया मीशो से। तो नेक्स्ट है ये पिंक कलर का सूट गाइस, तो ये है सूट इस तरह का, ये एक फुल लेंथ ऐसा फ्लोर लेंथ टाइप का सूट है,
और नीचे से इसमें काफ़ी अच्छा घेरा है। मैं आपको उसको उल्टा करके एक बार दिखा देती हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा घेरा है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने एक सूट मंगाया था, एक प्लेन पिंक कलर का ब्यूटीफुल सा ये कुर्ता है जो मैंने लिया था मीशो से, और इसका जो नेक है वो कुछ इस तरह का आगे से वी नेक है, आप देख सकते हो। ये पहन के काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो कॉम्बो था, ये कॉम्बो था एक कुर्ते प्लस एक दुपट्टे का। इसके साथ मुझे इस तरह का एक दुपट्टा रिसीव हुआ था जो इस तरह का दुपट्टा है, ये क्रीम कलर का दुपट्टा है जिसपे इस तरह का फ्लावर प्रिंट है। अच्छा, इसमें जो फ्लावर प्रिंट है उसके अलावा पिंक के साथ यहाँ पे ये गोल्डन कलर का कुछ शिमर टाइप का मटेरियल था प्रिंट पे, जो वॉश करने के बाद फेड हो गया। तो ये डेफिनेटली मुझे इस सूट के साथ कंप्लेन आई कि जो दुपट्टे के ऊपर जो ये मटेरियल था ये फेड हो गया। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि दुपट्टे मीशो के आपको मिलते हैं उनकी लेंथ बहुत कम होती है, लाइक इसकी भी लेंथ 1.5 मीटर ही है गाइस, मतलब पूरे 2 मीटर के भी दुपट्टे आपको नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली किसी हाइटेड बंदे के लिए सूट में जो दुपट्टा आएगा उससे आपको लेंथ की कंप्लेन हो सकती है, क्योंकि लेंथ काफ़ी कम लगी मुझे। प्लस मुझे इस कुर्ते को जब मैंने लिया तो मैं तब चेकआउट नहीं किया, बाद में मैंने देखा तो इसमें मुझे एक और प्रॉब्लम मिली कि जो इसका फ्लेयर है एक तरफ से ऊंचा आता है पहनने के बाद और एक तरफ से नीचे आता है, तो मुझे इसे कट करवा के इवन करवाना होगा जिससे पहनने के बाद एक तरफ से ऊंचा नीचा ना लगे। अदरवाइज़ इसमें घेर बहुत अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, दुपट्टा थोड़ा फेड हो गया लेकिन स्टिल इसका लुक इतना बुरा नहीं है। लेकिन यस, मैं इस सूट को दूसरे किसी उसके साथ पेयर करके पहन सकती हूँ डेफिनेटली, जिससे लुक आ जाए। और इनफैक्ट मैंने इस सूट को, कुर्ते को डाला हुआ भी अपनी एक वीडियो में, जिसमें मैंने इसको एक पिंक कलर के हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे के साथ पेयर किया था। तो ये मुझे पड़ा था 684 रुपीज़ का, ये रेयन फैब्रिक में है और इसमें भी मुझे कोई फिटिंग की कंप्लेन नहीं आई, फैब्रिक की कंप्लेन नहीं आई। जस्ट यस, इसकी कटिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड थी कि एक तरफ से ऊँचा नीचा मुझे मिला, प्लस दुपट्टा भी फेड हो गया। मैंने इसको एक बार वॉश किया, उसके बाद मैंने इसको वॉश ही नहीं किया क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जब मुझे देखा ये फेड हो रहा है फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया ज़्यादा। ये भी कॉटन टाइप के फैब्रिक में है, तो अच्छा दुपट्टा है, हैवी दुपट्टा है, लेंथ थोड़ी कम है बस। तो इस वाले सूट में मुझे ये कंप्लेन डेफिनेटली आई है। इसके अलावा मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का सूट मीशो से। तो ये जो ब्लैक कलर का सूट है वो कुछ इस टाइप का है, ये इसमें इस टाइप का लुक दिया हुआ है और एक तरफ इसमें इस तरह की लटकन टैसल्स लटक रहे हैं, और ये अगेन ऐसे अंगरखा स्टाइल इसमें लुक दिया हुआ है, बट ये पूरा यहाँ से स्टिच्ड है। और इसकी जो स्लीव्स है इसमें इस तरह का गोल्डन टाइप का वर्क है, और ये 3/4 स्लीव्स में है। अगेन ये एकदम फ्लेयर वाला है, काफ़ी अच्छा घेरा है इसमें नीचे, आराम से इसमें 1 मीटर घेरा दिया हुआ है, 1 मीटर से ज़्यादा ही है बल्कि, और काफ़ी अच्छा है ये दिखने में सूट पहनने में। इसके साथ मुझे ब्लैक कलर का प्लाजो रिसीव हुआ है, ब्लैक कलर का दुपट्टा रिसीव हुआ है। अगेन दुपट्टे के साथ कंप्लेन है कि दुपट्टा लेंथ में छोटा है, और बाकी तो ये मुझे अच्छा लगा, इसको मैंने लिया है। मैं इसका आपको प्राइस देख के बताती हूँ। ये सूट मैंने एक्सेल साइज़ में लिया, ये मुझे 732 रुपीज़ में पड़ा है, और जो इसका मटेरियल है वो कॉटन तो डेफिनेटली नहीं है, वो पिंक सूट की तरह कुछ रेयन टाइप का फैब्रिक है, बट रेयन फैब्रिक भी काफ़ी ये कम्फर्टेबल वाला फैब्रिक है, आपको पहन के इसको बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा। प्लस जो इसमें ये गोटा वर्क हुआ हुआ है, लाइक ये जो लेस लगी है पूरा गोटा टाइप की, ये पूरी इस पर स्टिच्ड है अच्छे से, आप देख सकते हो। तो ये अच्छा पार्टी वेयर टाइप का लुक भी आपको देगा, आप पूरा ब्लैक ब्लैक नहीं होना चाहते तो आप इस सूट को ले सकते हो डेफिनेटली, और पूरा ब्लैक सूट उसके संग किसी भी कॉन्ट्रास्ट में, कोई बंदेज का दुपट्टा, कोई जयपुरी हैवी दुपट्टा, या फिर कोई एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा किसी भी कलर में लेके इसका लुक एनहेंस कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा सूट है आपके लिए लेने के लिए ऑप्शन में, एंड दिस इज़ फॉर 732 रुपीज़, यानी 732 रुपये का मैंने लिया था। मैंने लिया था ये सूट, ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसको मैंने बहुत पहना है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अगेन ये रेयन फैब्रिक में है, ये इस तरह का है ग्रीन कलर का, इसमें पीछे राउंड नेक है और आगे से इसमें वी नेक है, इस तरह का स्लीवलेस है, इसके साथ कोई स्लीव्स नहीं आई थी। तो अगर आप इसको लेते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस सूट को पहनने के लिए यू विल नॉट गेट एनी स्लीव्स, तो आपको इसको स्लीवलेस ही पहनना पड़ेगा। तो ये इस तरह का कुछ है स्लीव्स इसमें, और ये इस तरह का सूट है। मेरी हाइट 5'1" है, तो ये मुझे
नीज से नीचे तक आ जाते हैं। तो अगर आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा लंबी है, 5'2", 5'3", 5'4" वालों को ये नी लेंथ तक या नीज से थोड़ी नीचे तक ही आएंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। तो इस तरह का ये कुर्ता है, साइड स्लेट वाला है ये। और इसके साथ मुझे रिसीव हुई थी ये पैंट, ये इसकी पैंट है। ये यूज्ड कपड़े हैं, वॉश्ड कपड़े हैं, तो इसलिए आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये थोड़े प्रेस नहीं है गाइस, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये इस तरह का है, इसमें आगे आपको इस तरह की वेस्ट मिलती है और पीछे एक अच्छी क्वालिटी की काफ़ी इलास्टिक मिल जाती है। और इस तरह का ये है दिखने में। और इसका जो मेन लुक है इस सूट का, वो है इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा इस तरह का प्रिंटेड दुपट्टा है, एक डिफरेंट कलर में, कॉन्ट्रास्ट में। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है जब इसको पहनते हैं। अगेन ये कॉटन दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट दुपट्टा है, पहन के बहुत अच्छा लगता है। इसका प्रिंट बहुत प्रिटी है, बट जस्ट इससे मुझे एक ही कंप्लेन है अगेन कि इसकी लेंथ कम है, काफ़ी लंबा दुपट्टा नहीं है। एक साइड ओपन करके आप डालोगे तो आपको लेंथ सफिशिएंट लगेगी, लेकिन अगर आप इसको पूरे नेक में लेते हो या फिर आप इसको ऐसे इकट्ठा करके लोगे तो आपको लेंथ की दिक्कत आएगी। मेरी 5'1" है, तब भी मुझे दुपट्टा छोटा लगता है। तो अगर आप मुझसे टॉलर हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें दुपट्टे के साइज़ को लेके बहुत कंप्लेन आएगी। और ये 1.5 मीटर ही होगा लगभग दुपट्टा, तो 2 मीटर का भी पूरा दुपट्टा आपको नहीं मिला है, मिलेगा इसमें अगर आप इसको लेते हैं। एंड ये सूट मुझे पड़ा है 774 रुपीज़ का। अगेन ये रेयन फैब्रिक में है और ये मेरा साइज़ XL है जो मैंने लिया था। और इसमें एक और चीज़ मुझे बताना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी सी स्टिचिंग की हल्की सी फिनिशिंग कम लगती है ऑन द नेक, अदरवाइज मुझे ये सूट, जैसे कि बताया आपको, वन ऑफ माय फेवरेट है। इसको मैं बहुत पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है और स्लीवलेस है, तो सब कुछ मुझे सूट के बारे में पसंद है, तो मैं इसको बहुत पहनती हूँ। मुझे पैंट्स वाले सूट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये बहुत अच्छा सूट है, डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। बट ये दुपट्टे की लेंथ थोड़ी सी छोटी रहेगी। अब मैं आपको अपना अगेन एक बहुत ही सुंदर सूट दिखाने वाली हूँ। ये सूट मुझे बहुत पसंद है, अगेन ये मेरा फेवरेट सूट है जो मैंने सूट लिया उसमें। तो ये इस तरह का सूट है, ब्लैक कलर का, इस टाइप का है ये। इसमें इस तरह का नेक आता है पूरा, आपको दिखा देती हूँ मैं। कॉलर नेक आता है इस तरीके से, इस तरह का कॉलर नेक आता है और इसमें इस तरीके से बटन्स मिल जाते हैं आपको आगे। और पूरा ये इस तरीके का काफ़ी लॉन्ग सा कुर्ता है ये। और इसकी स्लीव्स आपको दिखा देती हूँ, स्लीव्स इसकी 3/4 है अगेन। और इसकी स्लीव्स इस टाइप की फोल्ड हुए हुए स्टाइल में है। अगेन ये यूज्ड एंड वॉश सूट है, तो आपको ये थोड़ा सा प्रेस्ड नहीं है। और इसमें ऐसे लुक के लिए बटन लगा रखा है, तो काफ़ी स्टाइलिश इस सूट को दिया हुआ है बना के, और काफ़ी अच्छा है ये दिखने में सूट आपको, जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये सूट मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं वॉश कर चुकी हूँ कई बार इसको मैं पहन चुकी हूँ, तो लुक इतना अच्छा आता है गाइस, मतलब देख के एकदम ब्यूटीफुल। मतलब ये कहने को इसमें ये सारा ना प्रिंट है, लेकिन जब आप पहनोगे ना तो सामने वाले को ऐसा नहीं लगेगा इसमें प्रिंट, ऐसा लगता है कि वर्क हुआ हुआ है कुछ। तो काफ़ी सुंदर वाला प्रिंट है इस पर और ये दिखने में सूट बहुत सुंदर लगता है। मतलब मेरे को इस पर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और पर्सनली मुझे भी जब मैं इसे पहनती हूँ मुझे ऐसा फील होता है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है देखने में। और इसके साथ मुझे रिसीव हुई थी ये पैंट, जो मुझे थोड़ी सी टाइट लगती है अपने लिए, तो मैं इसको ज़्यादा तक नहीं पहनती हूँ, और टाइट भी नहीं, बेसिकली इसकी लेंथ ज़्यादा है जो मैं कभी कटवा नहीं पाई। तो ये पैंट है इसकी कॉन्ट्रास्ट में, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। नॉर्मली मैं इसको ब्लैक के साथ ही पहन लेती हूँ, तो वो भी पूरा ब्लैक एंड ब्लैक बहुत सुंदर लगता है मुझे देखने में। तो ये सूट मैंने लिया था, और इस सूट का जो मुझे प्राइस है, ये मुझे पड़ा था सिर्फ 548 रुपीज़ का। तो यस, इसका प्राइस काफ़ी सही है, 548 रुपीज़ में ये पूरा सूट मिला था। अगेन इसमें पीछे इस तरीके की इलास्टिक है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और आगे ऐसे टाई करने के लिए आपको नाड़ा मिल जाता है जिससे आप इसको अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बांध सको। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सूट है, ये तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ट्राई कर सकते हो। 548 रुपीज़ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैंट सूट आपको मिल जाएगा, दुपट्टा इसमें नहीं आएगा फॉर श्योर, बट ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए लेने के लिए। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे इसका प्रिंट बहुत ही अमेजिंग है। अगेन एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई सूट के बारे में, ये रेयन फैब्रिक में है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और मेरा साइज़ XL है जो मैंने ऑर्डर किया था 548 रुपीज़ में। इसके बाद मैंने आपको दिखाने वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, ये कॉटन अगेन खादी टाइप के फैब्रिक में है ये, कुछ एक ड्रेस, ये वाइट कलर की ड्रेस है विथ
दिस टाइप ऑफ स्ट्रिप्स इस तरह की, और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जब मैंने इसको देखा था, और एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी थी, उसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। इस वैसे फुल बटन्स हैं गाइस नीचे तक, और नीचे हल्का सा नीचे स्लिट मिल जाता है, और कपड़ा आप देख सकते हो, कपड़ा मैं आपको अपना हाथ से दिखा देती हूँ, ऐसा है, मतलब ट्रांजी नहीं है, खाली आप इसको डायरेक्टली पहन सकते हो। और स्पेशली जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे इसमें डबल फैब्रिक है, यहाँ पे ये दो कपड़े हैं इसमें ऐसे, तो ये डबल फैब्रिक में है, और इसमें पीछे इस तरह की इलास्टिक आती है, ये आप देख सकते हो इस तरह की इलास्टिक आती है, और जो स्ट्रैप्स हैं इसकी, ये स्ट्रैप्स भी इसके एडजस्टेबल है, इसमें इस तरह का एडजस्टमेंट के लिए ऐसा नॉब दिया है, तो इसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी ब्रा में होता है उस टाइप का दिया हुआ है, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और काफ़ी अच्छा है ये, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। अगेन कॉटन है, ज्योमेट्रिकल टाइप का इस पर प्रिंट है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये पहनने के लिए। 383 रुपीज़ में सिर्फ मुझे ये ड्रेस मिल गई थी, जो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने इसको एक शॉर्ट छोटे साइज़ में मंगा लिया था पहले, अगेन देन मैंने इसका साइज़ चेंज कराया था, पहले मैंने इसको एक्सेल में ऑर्डर किया था अकॉर्डिंग टू द साइज़ चार्ट, बट फिर अगेन मेरे को इसको चेंज करा के डबल एक्सेल मंगाना पड़ा, डबल एक्सेल मेरे लिए परफेक्ट था। तो इस ड्रेस को अगर आप लेते हैं तो अपने साइज़ से एक साइज़ थोड़ा बड़ा मंगाइएगा, और काफ़ी अच्छी है। इसमें एक पॉकेट भी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों तरफ इसमें पॉकेट भी है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगेन एक वीडियो में आप मेरे देख चुके हो, ये ड्रेस मैंने पहना था, तब मैंने बताया भी था ये मीशो का ड्रेस है, तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैपी वन पीस ड्रेस है लेने के लिए, बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, आप अपने लिए ले सकते हो, और बच्चे अभी कोई मतलब टीनेजर है तो वो भी अपने लिए ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये पहन के। और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन में है, और बहुत ही अच्छा है पहनने में, और वॉश कर चुकी हूँ, कुछ कंप्लेन नहीं है मुझे वॉशिंग के बाद भी, तो ये डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये साड़ी। यस, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, ये गलती से मुझसे उल्टी फोल्ड हो गई है, तो ये कॉटन साड़ी है, मैं पिक्चर अटैच कर ही रही हूँ, आप उसमें देख ही पा रहे होंगे, तो इस तरह के एक्चुअली एग्जैक्टली सेम साड़ी है जैसी आपको पिक्चर में दिखे, इस तरह का इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में साड़ी है, इसमें इस तरह का बॉर्डर है, पूरा सब कुछ प्रिंट है, सॉफ्ट कॉटन है, ऑल्दो मैंने इसे वॉश नहीं किया, फिर बहुत ही कम्फर्टेबल साड़ी है, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद आई है, मैंने इसको पहना एक दो बार, मुझे बहुत पसंद आई। ऐसी साड़ी है जो कॉटन लवर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, और इनकेस आप कंफर्टेबल नहीं पसंद तो फील करते हो ज़्यादा साड़ी में, तो आप ये साड़ी ले सकते हो, और इसका कलर ही इतना प्यारा है, इंडिगो नेवी ब्लू टाइप का, मतलब और क्या चाहिए, बहुत ही सुंदर कलर में ये साड़ी है, तो ये मैंने ली थी। इसके साथ आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाता है, जो कि फुल लेंथ का एक ब्लाउज पीस मिलता है, जिससे आप ईजिली अपना ब्लाउज सिलवा पाओगे, अदरवाइज़ इसको आप पेयर कर सकते हो किसी भी प्रिंटेड ब्यूटीफुल ब्लाउज के साथ कॉन्ट्रास्ट में, या फिर ब्लैक ब्लाउज के साथ, जैसे कि मैंने भी पेयर किया था एक बार स्लीवलेस ब्लाउज के साथ, और ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और ये साड़ी की प्राइस तो सबसे मेन थिंग है, मतलब इतनी सुंदर साड़ी, सॉफ्ट कॉटन में, अच्छा मोटा कपड़ा, ऐसा भी नहीं है बहुत हल्का कपड़ा है, आपको मैं दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो इतना अच्छा कपड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजी नहीं है, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ट्रांजी है, बहुत ही बेकार है, नो नॉट एट ऑल, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ये साड़ी मेरे को पड़ी है सिर्फ 623 रुपीज़ की, यानी 623 रुपये मैंने पे किया, मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी घर बैठे साड़ी मिल गई थी, विद दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल सा इंस्ट्रूमेंट वाला प्रिंट, तो ये साड़ी आप ले सकते हो, और बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होगा आपके लेने के लिए, और मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप चेकआउट करोगे तो मीशो में बहुत सारी साड़ीज़ के ऑप्शन अवेलेबल है, खासकर इस तरह की कॉटन साड़ीज़ के बहुत सारे अच्छे प्रिंट और कलर्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, ये था मेरा आज का सारा कलेक्शन कपड़ों का जो मैंने आपको दिखाया, तो ये सब मैंने मीशो से ख़रीदा था। आई होप आपको ये सारे कपड़े पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा है ऑलवेज से कि आप हमेशा वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। एंड येस गाइज, ये सब कपड़े मैंने मीशो से लिए हैं, मैंने खुद के पैसों से परचेज़ किया है, इन्हें मैंने यूज़ किया है, उसके बेसिस पर ही मैंने आपको रिव्यू किया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपके लिए फिर और ऐसी इंटरेस्ट
कस्टम वीडियो लाया करूँगी। और आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड की या फिर कुछ स्पेसिफिक हॉल देखनी है तो वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए उस हॉल को लाने की। और मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगेन मैं आपके लिए फिर से एक और जस्ट वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय गाइस, लव यू ऑल।